हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने बात किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, और अब बात करेंगे इस वीडियो में हम तीसरी तिमाही की। तीसरी तिमाही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है जब 28 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 29 वीक टू 40 वीक्स। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम प्रेगनेंसी को 40 हफ्तों में बांट के देखते हैं। पहला हमारा 1 से 12 हफ्ता, दूसरा हमारा 13 से 28 हफ्ता, और तीसरा जो चालू होता है तिमाही ट्राइमेस्टर, दैट इज 29 वीक टू 40 वीक्स। इस समय तक आपने जान लिया कि सारी जांचें हो गई है, बच्चा अच्छे से पेट के अंदर बन चुका है, मूवमेंट अच्छे से फील होने लगी हैं। जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, 29 वीक स्टार्ट होता है, तब हमें पता चलता है कि बच्चा लगभग पूरा बन चुका है, उसके मांसपेशियां बन चुकी हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है, हार्ट का डेवलपमेंट हो गया है, अंदर लीवर, हार्ट, किडनी, एवरीथिंग इज वेल डेवलप्ड नाउ। बच्चे का जो साइज़ अगर अपन देखते हैं तो 15 से 16 इंच के आसपास हो जाता है, और वेट है जो बच्चे का 1 से 1.5 किलो के आसपास हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी में आराम से हमें पता चल जाती हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना हो गया है। तो 29th वीक 30 वीक के आसपास हम एक सोनोग्राफी करवा के अपने बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ और वेट के बारे में हम जान सकते हैं। इस ट्राइमेस्टर में जो हमें चेंजेस नज़र आते हैं वो है कि हमारा टमी का साइज़ अब थोड़ा बढ़ जाता है, बच्चे के मूवमेंट हमें थोड़ा ग्रॉसली और अच्छे से पता चलने लग जाते हैं, बच्चे का हाथ ऐसे सीधा करना, एक्सटेंशन, हैंड एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन का मूवमेंट है पता चलता है, बच्चा करवट लेता है वो हमें पता चलने लग जाता है, बच्चा अब समझने लगा है, बच्चा अपनी बातों को सुनने लगा है। तो जो आप बात करते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो बच्चे के पास भी इंफॉर्मेशन जा रही है। तो आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान ले लिया था। तो इस समय आपके बहुत निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आपके बच्चे का स्कूल अब चालू हो गया और आपके थ्रू बच्चा की लर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल एट दिस टाइम, लास्ट ट्राइमेस्टर, की आप क्या गेन कर रहे हैं और बच्चे पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सेकेंड थिंग, आपके पेट पर, एब्डोमेन पे स्ट्राया मार्क्स यानी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो थोड़े से और डार्क हो जाते हैं, उनका ब्लैकनिंग हो जाता है और थोड़े और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये बताते हैं कि आपका एब्डोमेन, टमी अब थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है, और थोड़ा सा स्ट्रेच मार्क प्रेगनेंसी एक निशानी है, वो बनने लगती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के मूवमेंट के साथ में आपको एब्डोमेन में थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लगते हैं, जिनको ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ब्रैक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शंस जो है यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर थोड़े स्मूथ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, और ये फ्रिक्वेंट इंटरवल पे थोड़े थोड़े माइल्डली होते रहते हैं, बच्चे को स्टिमुलेट करते रहते हैं, और ये ही एक प्रैक्टिस हो रही है बच्चे के बाद में डिलीवरी के लिए, ये ही ब्रैक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन आगे जाके नॉर्मल लेबर पेन्स में चेंज हो जाते हैं। तो इनके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, चलते रहेंगे ठीक से, और यू कैन फील इट। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस है कि बच्चे का जो हेड का प्रेशर है वो ब्लैडर के ऊपर यानी कि यूरिन का जो थैली है उसके ऊपर आने लगता है। तो इस ट्राइमेस्टर में आने से थोड़ा यूरिन का फ्रिक्वेंसी आपका बढ़ जाता है, आपको बार बार यूरिन के लिए, मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज फ्रिक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है और पेन है, जलन है, तो हो सकता है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, अपना यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये नॉर्मल है। अगली इम्पॉर्टेंट बात है इस ट्राइमेस्टर में कि अब जो बेबी है थोड़ा सा नीचे खिसकता है और आपको थोड़ा सा सांस लेने में इजीनेस महसूस होने लगता है, इसको लाइटनिंग बोलते हैं। जैसे ही बेबी का हेड पेल्विस में नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर यहाँ जगह बन जाती है जिसे बोलते हैं लाइटनिंग। तो ये भी एक लेबर की तैयारी है, नीचे के लिगामेंट हैं जो पेल्विस के बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो थोड़ा रिलैक्स होती हैं और बेबी का हेड नीचे जाता है, और रिलैक्सेशन के साथ ही एक लेबर पेन की और लेबर की नॉर्मल डिलीवरी की एक तैयारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। और एक बहुत अच्छा जो नई चीज़ होती है वो है कि बच्चे की धड़कन सुनना। आप कान लगा के टमी के ऊपर बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं, डॉक्टर तो आपको हमेशा सुनाते ही हैं जब भी आप डॉक्टर की विजिट पे जाते हैं, बट यू कैन ऑल्सो हियर योर बेबीज़ हार्ट
बाई प्लेसिंग योर ईयर ऑन योर टमी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन एंड बहुत ही अच्छा लगता है। अपने बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं, इसके साथ बच्चे की जो मूवमेंट है आपको बहुत अच्छे से मूव फील हो रही है। तो आप अपने बेबी का हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे की धड़कन सही है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा आपकी बातें सुन रहा है और रिएक्शन भी दे रहा है। अगर 3D सोनोग्राफी होती है तो यू कैन वॉच योर बेबी व्हाट इज़ डूइंग इनसाइड योर टमी। सो दैट इज़ अ वेरी बिग एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस। इस टाइम हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो भी आप टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं वो बेबी के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस टाइम पे आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे पिक्चर्स आप अपने रूम में लगा सकते हैं और आप आने वाले बेबी के रिसीविंग के लिए, उसको अपने स्वागत के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो बेबी भी खुश रहेगा। और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी आपको थोड़ा मेंटेन रखनी पड़ेगी ताकि बेबी की मूवमेंट बनी रहे, बेबी को ब्लड फ्लो बना रहे, बेबी की मूवमेंट अच्छी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि 9वें महीने में आप जाके पूरा बेड रेस्ट पे आ गए हैं और खाना पीना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट यू कैन डू वेल विद लिटिल गाइडेंस विद योर डॉक्टर। सो थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम और अच्छा म्यूज़िक और मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छे से हेल्प करेगी आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जाने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए। फिर हम बात करेंगे 9वें महीने में, यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में डाइट के बारे में कि इस समय आपको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। डाइट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी जो आप खाते हैं और अभी बेबी का वेट सबसे अच्छा बढ़ता है। एक हफ्ते के अंदर बेबी का वेट 200 से 250 ग्राम यानी कि 200 टू 250 ग्राम्स बढ़ता है। तो आपके डाइट पे ही बेबी का वेट बढ़ना डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं और बार बार लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए, क्योंकि टमी में बेबी का साइज़ बढ़ने से टमी के अंदर थोड़ा जगह कम हो गया है, तो बहुत सारा एक साथ खाने से हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग हो, पेट दर्द हो और अनइजीनेस महसूस हो। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। अच्छी चीज़ें खाइए, पनीर है, सोयाबीन है, प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, दूध है, दही है, छाछ है। इसके अलावा अच्छे सीजनल फ्रूट्स आप ले सकती हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मूंगफली है, चने हैं, ये सब चीज़ें जो हाई प्रोटीन डाइट है। इसके अलावा पनीर वगैरह में कैल्शियम अच्छा होता है, हरी सब्जियां आप ले सकती हैं, जूस हैं, सूप हैं। इस तरीके से आप अपनी डाइट को थोड़ा एनर्जेटिक बना सकती हैं और बच्चे को न्यूट्रिशन दे सकती हैं। इसके अलावा पूरे दिन में कम से कम आपको 12 से 16 ग्लास पानी के पीने चाहिए। पानी आप इन द फॉर्म प्लेन वाटर हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, जूस है, सूप है, हो सकता है वेजिटेबल शेक्स हैं। इस तरीके से आप कई चीज़ें बना सकती हैं और वाटर इनटेक अपनी बॉडी में बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो बच्चे को पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि पानी कम पीने से बच्चे को पानी कम होता है, बच्चे को मूवमेंट की जगह कम मिल पाती है। तो ये अपने को इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना डाइटरी ध्यान ज़रूर रखें और बच्चे के वेट के लिए अपन अपना डाइट न्यूट्रिशन अच्छा रखें। इस टाइम पे कम से कम 450 कैलोरीज अपने को एड ऑन में लेनी पड़ती है, जो कि अपने के नॉर्मल पहले प्रेगनेंसी से पहले हम जो डाइट ले रहे थे उसमें 450 किलो कैलोरीज और एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए। इस ट्राइमेस्टर में कुछ जांचें और रहती हैं जो लास्ट में आखिरी महीनों में हमें करवानी होती है, लाइक सीबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन टेस्ट। कई बार आखिरी महीने में आते आते ब्लड की कमी हो जाती है, तो अगर अपन सीबीसी टेस्ट करवा लेते हैं तो अपने को ब्लड का हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाता है, जिससे कि अपन कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, ब्लड लगाना है, आयरन के इंजेक्शन देने हैं, कुछ और करना है, दैट वी कैन डू। इम्पॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और थायराइड की अगर गोली चल रही है तो थायराइड का टेस्ट, TSH का टेस्ट होना भी ज़रूरी है आखिरी महीनों में, ताकि उसका गोली अगर एडजस्ट करनी है तो वो की जा सके। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो ब्लड शुगर आपका रूटीनली चेक होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जाँचें जो रूटीन जाँचें होती हैं वो एक बार आखिरी महीने में आके वापस रिपीट करवा लेते हैं। और अगर आपके कुछ टेस्ट शुरू में नहीं हुए हैं तो आखिरी महीने में तो एटलीस्ट आप ज़रूर करवा लीजिए। जैसे आपका 7वां और 8वां महीना होता है तो उसमें आप 15-15 दिन पर डॉक्टर को विजिट कर रहे होते हैं। 15 दिन का विजिट बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें डॉक्टर आपका बीपी है, वज़न है चेक करता है, नॉर्मल फिजिकल चेकअप आपका करता है। इसके साथ में ही आपका बेबी का हार्ट वो सुन के आपको बताते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं है। लेकिन जैसे ही 9वां महीना लगता है, यानी कि जब आपके 36 वीक्स स्टार्ट होते हैं, तो 36 वीक्स ऑनवर्ड आपको वीकली विजिट के लिए जाना होता है डॉक्टर के पास, क्योंकि अब आपका बच्चा तेज़ी से बढ़ रहा है गर्भ के अंदर और उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वेट चेंजेस काफ़ी जल्दी हो रहे हैं और अपने पास टाइम अब
काफ़ी कम बचा है, बेबी अपने पास बहुत जल्दी अपने हाथों में आने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए अपने को बेबी का थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हर हफ्ते डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाना होता है, डॉक्टर को से चेकअप मिस नहीं करना होता, और इस टाइम हमें ज़रूरत लगती है तो एक सोनोग्राफी और की जा सकती है, ताकि बेबी सीधा है, घूम तो नहीं गया है, पानी कितना है, वज़न कितना हो गया, और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, बेबी को ब्लड फ्लो ठीक से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सोनोग्राफी से ही हम लोग देख पाते हैं। तो एक सोनोग्राफी एक ज़रूर हो जाती है, ब्लड ग्रुप आपका पहले ऑलरेडी चेक हो गया है, CBC हमने दोबारा चेक कर लिया है, बाकी TSH, ब्लड शुगर, ये कुछ सब कुछ और जो चेक करने वाले इन्वेस्टिगेशन से वो कर चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं बेबी की नॉर्मल लेबर की, कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, उसके लिए अपने को काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती है। उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि नॉर्मल लेबर के लिए आप अपने क्या क्या तैयारी आप कर सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी, एक अच्छा हेल्दी बेबी आपकी आर्म्स में आपके खेलता हुआ, हंसता खेलता हुआ आपका मिले। तो अभी तक अगर आपने जयपुर दूरबीन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और अगर आपने पिछले दो वीडियो, तीन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उनको देखिए, कि पहली ट्राइमेस्टर में क्या करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कैसे जाँचें करवानी है, कौन से आपको डाइट लेनी है, कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, थर्ड ट्राइमेस्टर का हमने अभी डिस्कस किया, अगले वीडियो में हम नॉर्मल डिलीवरी और लेबर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग।